हाय एवरीवन, हम प्रियंका एंड इसके बारे में कुछ आगे बोलूँ मेरे को आप लोग सब लोग एक चीज़ एक हम लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे रुक जाए मेरे को चाहिए कि आप सब लोग मैं जब भी 1 2 3 गो बोलूँगी ठीक है एक मिनट के लिए आप सब लोग को आपका सांस रोक के रखना है ठीक है एक मिनट के लिए मैं टाइमर लगा रही हूँ ठीक है तो मैं 1 2 3 गो बोलूँगी एंड सब लोग को वो करने के लिए ठीक है 1 2 3 गो बीच में छोड़ने का नहीं है पकड़ के रखने का है एक मिनट के लिए मैं इधर बहुत जगह पर देख रही हूँ लोग हंसने भी शुरू हो गए हैं ठीक है मैं स्टॉप करती हूँ अगर देखे जाए अबाउट 80 to 90% की जो भी आप लोग हो 33 seconds तक एट द मोस्ट कितना 33 seconds तक आप अपना सांस रोक सके करेक्ट उससे ज्यादा मुश्किल है एक मिनट सांस रोक के रखना बहुत मुश्किल है फ्यू इयर्स डाउन द लाइन अगर हम ऐसे ही झाड़ काटते रहे और झाड़ नहीं उगाए आप लोगों को ब्रीदिंग करना सांस लेना कितना मुश्किल होने वाला है हम लोग सब लोगों को ये अर्थ में रहने के लिए कितना मुश्किल होने वाला है अभी आप आराम से सांस लेते हैं क्योंकि आप लोगों को परवाह नहीं है क्योंकि अभी तक है झाड़ ओके पर हम लोग जिस रेट से जा रहे हैं इन नेक्स्ट 10 years जब भी आप 10 साल के और होंगे आप लोगों को सांस लेना कितना मुश्किल होगा अब आप सब लोगों के लिए प्लास्टिक बॉटल्स को यूज करके बिकॉज रिसाइकल इंडिया के हम लोगों ने ये सब बहुत सारा बनाया है अभी हम लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं लोगों को वेजिटेबल्स उगाना हमने देखो ना मम्मी आपके डैडी मम्मी को थोड़ा पैसा देते हैं महीने ठीक है ठीक है आपकी मम्मी मंथली बेसिस पे भाजी लेके आती है उनको मिलता है सर्टेन पैसा और वो लेके आती है सडनली पता चल गया कांदा और टमाटर जो कभी 10 या 20 रुपया किलो होता था सडनली 80 और 90 रुपीज किलो हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ते जा रहा है फार्मर जो भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं मजदूरी का कॉस्ट बढ़ते जा रहा है इसके लिए ये की वजह से कि प्राइस थोड़ा कॉन्स्टेंट रहे आपकी मम्मी लोग को भी तकलीफ नहीं हुई आपके पापा लोग को तकलीफ भी नहीं होता है फर्टिलाइजर डाल रहे हो जिसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड नहीं है यू नो एक अच्छा फर्टिलाइजर है एंड उससे आप वेजिटेबल्स उगा रहे हो तो ये सब चीज़ों के कारण एक क्या था आपको ब्रीदिंग के लिए मतलब आपका एनवायरनमेंट बेटर बना रहा है